चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरि नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र बदन तुम रोज जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाय राज पद दिन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्री का मिली मुख माही जल दिलांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे
अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुर भूप। सियावर राम चंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो। उमापति महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो। बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। हरि ओम। आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो लब्धासो अपरिदास उद्भिद देवानो यतम सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो इवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजुयताम देवानां रातिरविनो निवर्तताम देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान् आयु प्रदीरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् पगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुभगा मयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतं दिष्णायुवं तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं भूषानूयता वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदग्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु वृषदस्वा मरुत वृष्णी मातर शुभं यावानो विदथेषु जग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णे विश्रुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा नश्चक्राचरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता युर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापश्शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि एवा देव एवा यज्ञे एवा इन्द्रः एवा हि पूषन् एवा हि देवः पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।
मनो भगवान
प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु नमः पार्वती पतये सिए राम सिए राम सिए सिए राम सिए राम सिए राम सिए सिए
सरोज
बरनाम रघुवर thank you.
स्वरूप संभारा Thank you.
बाप बाप मारा बाप बाप दाई और जगत गुरु मध्य में सदगुरु और वाम भाग में त्रिभुवन गुरु ये तीन स्वरूप जो यहाँ है उसकी सन्निधि में और ध्यान वट की अखंड छांव में बैठकर हम सब नवदिवसीय राम कथा मानस समाधि का गायन कथन श्रवण संवाद कर रहे हैं। तब तीसरे दिन की कथा में जब हम प्रवेश कर रहे हैं गुरु कृपा से, तब पूरी दुनिया को ये मेरी ध्यान पीठ स्वागत करती है। सभी को मेरा प्रणाम, जय सियाराम। मानस समाधि समाधि के बारे में कई महापुरुष प्रामाणिक रूप से प्रमाणित करते हैं। इनमें हम कई विभूतियों का नाम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन घूम घूम करके दृष्टि जाती है पतंजलि की समाधि व्याख्या पर। बहुत क्लिष्ट जटिल, मैं कबूल करके बोलूंगा, जब बोलूंगा कहना कठिन है, समझना कठिन है। पतंजलि ने जो समाधि के सोपान बताए हैं, कहत कठिन समुझत कठिन, उसके साधन भी कठिन है। अब मैं बोल जाऊं खाली शब्द, लेकिन समझाना मुझे भी क्लिष्ट पड़ रहा है। संप्रज्ञात समाधि, अप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विचार समाधि, सविचार, फिर कितने कितने कितनी शाखाएं उसमें वर्णित करते हैं भगवान पतंजलि। अब हम जैसों को तो समाधि का पूरा सरलता से सत्य और सुगम और निगमादि सम्मत समाधि माथी बैठो थाय तो समझा भी सके, बाकी अपनू गजू नहीं। कोई महापुरुष जिसने अखंड समाधि का अनुभव किया है वो ही बिल्कुल हम जिस स्तर पर है वहां नीचे उतर कर हमें समझाएं तो समझ में आए। फिर भी पुनि प्रत्युह अनेक, फिर भी बाधाएं कितनी 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 बताई गई। अभी हम इस जटिल क्लिष्ट व्याख्या में न जाएं क्योंकि बड़ा मुश्किल है। हमें इस योग समाधि का कितना अनुभव, हमें तो कथा समाधि का अनुभव है। इसी स्तर पर आकर मैं आपको बताऊं,
ढोरानी समाधि के कैलाशनी समाधि नहीं, मारी पासे तो खूणानी समाधि छे। मेरा और आपका कोई कोना है उसको सुरक्षित रखना, कोने में तेज है और आंखों के कोने में भेज होना चाहिए। ज्ञान स्वामी बापा कहां से आए विचरण करते करते करते, और कल्पना कीजिए कि उसको ये ढोरा ही क्यों पसंद आया। मेरे पास कई सुझाव भी आए हैं कि बापू शब्दकोश में गड्डी शब्द का अर्थ है टीला टेकरा, गड्डी गड्डी हनुमान गड्डी जरा मुझे किसी को कहना हो तो कह सकते हैं ध्यान गड्ढी है, हो सकता है। तो जिसकी चर्चा कल हम कर रहे थे कि जो ईश्वर को लागू होता है, पतंजलि ने ईश्वर की भी बहुत अद्भुत व्याख्या की है। मैं कभी वो प्रवाह चला तो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ संवाद करूं। भगवान की व्याख्या तो हमने कई बार आपके सामने पेश की कि छह प्रकार का भग जिसमें हो भगवान, जैसे धन जिसके पास हो वो धनवान, बल जिसके पास हो बलवान, ज्ञान जिसके पास हो ज्ञानवान, मति जिसके पास हो वो मतिमान, द्रुतिमान, धीमान, श्रीमान, तो ईश्वर किसको कहता है? अद्भुत व्याख्या की मैं कभी चर्चा करूंगा आपसे सरलता से, दादा जब प्रेरणा करेंगे, कि मुझे लगता है बहुत अच्छा इंसान ईश्वर बन सकता है साहब, इतनी शर्तें यदि पूरी करते हैं। और इन शताब्दियों में युगों की काल गणना में हमारी नजर से कई ईश्वर भी गुजर गए लेकिन हम पहचान नहीं पाए, कई भगवान आकर चले गए, कई ईश्वर स्वयं आकर चला गया, पहचान नहीं सके। मैं और आप, भगवान बुद्ध एक बार बैठे थे आनंद आदि कुछ भिक्खु उसके आश्रित उसके अगल बगल में बैठे थे गंधकुटी के बाहर जहां बुद्ध विश्राम करते थे। ये बनी घटना शायद मैंने आपको सुनाई भी हो। एक भिक्खु बोलता है सारिपुत्त, भिक्खु का नाम है सारिपुत्त, आश्रित का नाम है, शिष्य का नाम है सारिपुत्त। उसने कहा भगवान आपने पा लिया लगता है, इतना ही कहा आपने पा लिया है, आप भगवत प्राप्त महापुरुष है। यद्यपि बुद्ध भगवान में मानते नहीं थे, बुद्ध ईश्वर में मानते नहीं थे, बुद्ध आत्मा तक को नहीं मानते थे, लेकिन दाबी दोबी ना रहे कस्तूरी के पास। शिष्यों ने कहा कि आप माने न माने लेकिन भगवान हमें तो कहने दो कि आपने पा लिया है, कुछ तो बोलो अपने मुख से बोलो, बात प्रमाणित तो हो जाए, इतने आश्रितों का भरोसा गौरी शंकर शिखर की तरह ऊपर उठ जाए, एक बार बोल दो कि हमने पा लिया है। ना बोले ना बोले ना बोले,
हमारी पात्रता कम है इसलिए आप नहीं बोल रहे, फिर भी कुछ नहीं बोले। बुद्ध कभी क्रुद्ध तो नहीं हो सकते, क्योंकि तो करुणा का स्वभाव लिए बैठे, करुणा मूर्ति है। आश्रितों ने बहुत दबाव डाला कि कुछ बोलो, और यदि आप नहीं बोलेंगे तो भी आपके अगल बगल का प्रकाश, रोशनी, आभा, एक मंडल गवाह है कि आपने पा लिया, भगवत आप में उतरी है। आप हां कहे ना कहे, लेकिन आपकी जुबा से कुछ तो बोले। जब अति हो गया बुद्ध को, उसने सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा तो ये लोग शायद उदास हो जाए और ये राह भी छोड़ दे कि इसको भी नहीं प्राप्त हुआ तो हमें तो कब मिलने वाला है, और कहीं ये रास्ता न छोड़ दे। अंत में बुद्ध ने किया, कहा पाया नहीं पहचान लिया, इति सिद्धम। भिक्खु मैंने पाया नहीं मैंने पहचान लिया। किसको पाना है? जो नित्य प्राप्त है। पहचान भर की बात है, शताब्दियों के काल गणना में, युगों की काल गणना में कई ईश्वर हमारे सामने से गुजर गए साहब, मैं और आप पहचान नहीं पाए। पांच हजार साल भगवान कृष्ण को हुई, पहचान पाए हम? कितना करीब पड़ता है ये गोविंद। मुझे एक भाई ने प्रश्न पूछा था, बापू आप दुनिया में रामायण लेकर घूमे हैं, कई कई धर्मों के, कई कई अपने 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 जो विचारधारा ये लिए लोग होते हैं, सबके अपने अपने देवस्थान होते हैं, भारत में आप घूमे, विदेश में घूमे, आपको सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा लगा? मैंने वहां तो जवाब नहीं दिया, यहां दू। मैंने कहा देखो भाई, मंदिर सबकी अपनी अपनी एक निष्ठा का केंद्र होता है, सबकी जहां निष्ठा लगी, अपने धर्म का देवस्थान, अपने अपने अपनी जो जो अपनी 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 पंथ जो कहो, जो अपने अपने मंदिर में सबकी अपनी निष्ठा होती है, उसको ये सब प्रिय लगे। लेकिन आप मुझे पूछ रहे, और मेरे इष्ट देव राधा कृष्ण है, ये मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय है, बाकी सभी मंदिर, हम तो सब जगह जाते हैं यार, सब सब मंदिर, 52 गजनी धजा पर के साहेब फड़ाका मारे हैं। क्यों अब उसका तर्क शब्द का यूज न करूं, क्योंकि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, नैकोर मुनियस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन कथा सपन्था। महाभारत यक्ष प्रश्नावली। क्योंकि ये तर्क के बाहर की वस्तु है, सत्य कभी तर्क से सिद्ध हो सकता है? तर्क से असत्य सिद्ध हो सकता है, जिसकी कोई नींव ही नहीं, बेबुनियाद, मूल रे विनानु काया, जाड़ब पाया वगरनु मकान, तारे रेवु भाड़ा ना मकान मा। प्रेम कभी तर्क से प्रसिद्ध किया जाता है? और करुणा कभी तर्क से प्रतिष्ठित की जा सकती है? ये स्वतः प्रतिष्ठित है, स्वतः प्रमाणित है, स्वतः प्रमाणिक है।
क्योंकि तर्कों से महाभारत का अर्थ है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है यहां। तर्क की क्या प्रतिष्ठा, आप एक तर्क करो तो दूसरा ज्यादा तार्किक तुम्हारे तर्क को काट देगा, और इससे ज्यादा ऊंचा तार्किक होगा वो उसके पत। तर्क तो कातर है, कैंची है, काटने का ही काम करती है, संवाद सुई है, जोड़ने की काम करती है। आंखों बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो जाता, अंधेरा लगता है कि भाई गुरु थे लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ, तूने आंखें बंद कर ली है। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं। तो मैं भाई देखो, आपकी आपकी जो जिसने मुझे पूछा था इसकी बात बराबर है कि रामायण की कृपा से, जगत की शुभकामना से, मेरे गुरु की कृपा से हम दुनिया भर में घूमे हैं, सब देखा है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, मेरी जानकारी नहीं है भाई, मुझे तो जहाँ से सत्य मिलता है मैं ले लेने वाला, माधुकरी वाला, लोट मांगवाड़ो बावो छो, आप चपटिक सत्य आप ले लो मैं ले लू, सीधू नो लो तांबड़ी बना को, सीधू सीधू एक हमारे यहाँ जो जो भोजन देते उसको सीधू भी कहते हैं, सीधू आपो, साधु सीधू नो ले वाया तांबड़ी, यक्षय पात्र है तांबड़ी, मार्गियों का यक्षय पात्र, ये तांबड़ी माथी भंडारा थी जाए, पंगतो पड़ती हो, इसमें ठाकुर जी भी आकर रोटी खा जाए। तर्क से सिद्ध नहीं, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मत प्रमाणम। तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न बोल रही है, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद, ये उसको सार गोतना होता है, खोजना होता है सदगुरु के पास बैठकर। बाकी सब के कोई कर्मकांड की बात करती है श्रुति, कोई उपासना की बात करती है, कोई ज्ञान कांड की बात करती है। श्रुतियां विभिन्ना और नैको मुनिर्यस्य मतः प्रमाण, एक भी मुनि का मत प्रमाण नहीं है, इसका मत दूसरा, उसका द्वैत, उसका अद्वैत, उसका विशिष्टाद्वैत, उसका द्वैताद्वैत, जो हमारा है निम्बार्कियों का द्वैताद्वैत, किसी का शुद्धाद्वैत, चैतन्य का प्रेमाद्वैत, हरिबोल 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 प्रेमाद्वैत। नैको मुनिर्यस्य मतः प्रमाणम, फिर करे क्या, ये क्यों हो रहा है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, श्रुतियां सब धर्म ग्रंथ बिलक बिलक बात कर रहे हैं, मनीषी लोक के मत एक नहीं हो रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व किसी गुफा में छिप गया है, इसलिए प्रमाणित नहीं किया जाता, धर्म मानी सत्य प्रमाणित नहीं किया जाता, धर्म मानी प्रेम उसको सिद्ध नहीं, स्वतः सिद्ध है, धर्म मानी करुणा उसको प्रतिष्ठित नहीं की जाती, स्वतः प्रमाण। फिर करे क्या हम जैसे, डावाडोल हो जाएंगे हम और आप, इसलिए भगवान वेद व्यास बादरायण प्रभु कहते हैं महाजनो ये न कथा, अपने युग का कोई महापुरुष मिल जाए वो चले इसकी राह पर, चलो अपने युग के, अपना कोई जो समकालीन मुझे और आपको मिल जाए और पहचान में आ जाए, पा लिया नहीं पहचान लिया, महाजनो ये न गतः सपंत, अपनो मारक कयो, मार्गियो नो मारक कयो, गुणु बापू अनु बापू छगन बापू, ए तुलसी बैठो,
कहो मार्ग, मारो गुरु हाले ही मारो मार्ग। महाजन मानिक अपनो गुरु, अपनो परम पुरुष, अपना बुद्ध पुरुष, अपना सदगुरु। जब तक जरूरत ना पड़ो आप आगे चलो स्वागत, लेकिन डावाडोल हो जाओ तो फिर गुरु को आगे कर दो। हनुमान जी पांच है पवन तनई सिरु नावा, जाने दो आगे सबको, सबको जाने दो, जाने दो जानकी की खोज में, लेकिन भूले गहन जंगल में जब किष्किंधा कांड में सब भुलावे में कि अब कहाँ रास्ता नहीं, उसी समय श्री हनुमान जी आगे हो गए। महाजनो ये नगता सपंता, मेरा बुद्ध पुरुष जिस मार्ग पर गया, ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये बहुत मार्ग देखने के बाद पकड़ा हुआ मार्ग है। द्रौपदी पुकार रही है, चीख रही है, स्त्री के धर्म के कपड़े पहने हुए। द्रौपदी ने अपने स्त्री धर्म में थी, राजभवन के कोने में बैठी थी माया नाम की एक सखी के साथ। यहां पांडव हार गए द्रौपदी को और खबर वहां अंतःपुर में गई कि कृष्णा आपको पांडव हार गए। हाँ? अग्नि की ज्वाला है, हाँ हार गए, मेरा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, हूँ जुगटा नु होगठू छू। मैंने गम्मे त्या हारी जाओ, गम्मे त्या जीती जाओ, नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में। और दुर्मति दुर्योधन हुक्म करता है, खींच लाओ द्रौपदी को भर सभा में, पांडव हार चुके हैं, वो हमारा जीता हुआ जुगटों में जुआ में जीता हुआ एक चीज है, दुशासन जाओ ले आओ। जाता है, खबरदार आगे बढ़ा तो द्रौपदी ने कहा, लेकिन आसुरी संपदा कभी कभी ज्यादा बलवान सिद्ध हो जाती, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। भाव और भावुकता का जो भेद रामचरितमानस ने दिखाया, शायद किसी शास्त्र ने दिया हो, मिले तो मैं कबूल कर लूंगा। भाव अखंड होता है, भावुकता क्षणिक होती है। भावुकता, कुछ बात आप सुनो, कुछ मंजर देखो, कुछ देर के लिए भावुकता आ जाती है। फिल्म के कुछ दृश्य देखो, 3 घंटे के पिक्चर में कुछ क्षण आप भावुक हो जाते हैं। मैं जब फिल्म देखता था, मेरी भी ये दशा। भाव अखंड होता है। एक और रामचरितमानस में अखंड भाव का साक्षात मूर्ति मेरा भरत है। एक और एक भावुक का असुर पात्र बना कुंभकर्ण, मगन भयभु क्षण एक राम रूप देखा रण मैदान में, लोकाभिरामम रण रंग धीरम। राम का एक असुर, एक कुंभकर्ण, वहां लिखा है राम रूप शोभा निरखी मगन भयभु क्षण, एक क्षण के लिए भावुक को, आहा इसके साथ युद्ध किया जाए क्या।
नक्षिक राघव को देखा एक क्षण के लिए, और दूसरी क्षण युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि भावुक है। भावुकता क्षण भंगुर होती है, भाव शाश्वत होता है। भरत राम विरह सागर मह भरत मगन मन होवत, राम के विरह रूपी भाव समुद्र में भरत 24 घंटों मगन रहते, क्योंकि भाव है। हमारो भगत बापू दुला कागलक है जी, भरत के रो भाव भरता। कई व्यापारी की दुकान में ताका एटला मोटा होय ने के व्यापारी नु छोकरो दुकाने बैठो ने एने कहे जरा भाई मापी ले तो आ केतला गजनो केतना हाथ नो ताको, छोकरो थाकी जाय इतना लांबा ताका होय। राम कहे कई कई मां एक एवो भावनो अखंड ताको ते मने आप्यो, मारा भरत केरो ए जी भाव भरता, अने थाक्या कवियो नमाप, माड़ी बधो तारो छे ए परता। हे मां कई कई जराय ओछू न लगाड़ीस, तारो छे परता, अवन मा विगत लीधी साथ, माता बधो तारो छे परता। हाँ रघुनाथ जी क्या क्या बोले है भगत बापू की बाने में, मुये क्या नो અને આ બધા વાનર ક્યાંના, મારે ઘડીક નો એ મેળા, એ મા હું રે ક્યાં, અને આ વાનર ક્યાંના, મારે ઘડીક નો એ મેળા। આમ જા જોયું રઘુનાથજી હનુમાન ઉભો તો હાથ પકડ્યો હનુમાન, આ કપિયે આખું કુળ હોમી, આ કપિ અને કપિશે આખું કુળ હોમી દીધું મારા માટે, આખું કુળ સમર્પિત થઈ ગયું। કપિયે આખું કુળ ભરત ભૈયા કપિશે ઉરીન હમ નહીં, અખંડ ભાવ કી મૂર્તિ હૈ શ્રી ભરતજી, और क्षण भंगुर भावुकता की मूर्ति है कुंभकर्ण। आसुरी तत्व बलवान बहुत होते लेकिन क्षण भंगुर होते, दुशासन आसुरी वृत्ति। मैंने कई बार आपको कहा है कि कहां लाठी और कहां वीणा, वीणा के सप्त सुर में नारद हमारा आचार्य क्या क्या गा रहे हैं, और कहां एक लाठी जो मारक पदार्थ है, लेकिन लाठी चाहे तो एक मिनट में वीणा तोड़ दे, वीणा लाठी को नहीं तोड़ती। आसुरी तत्व बलवान होता है, खाद खूद धरती सहे अने काट कूट वन राय, कटु बचन एक साधु सहे दूसरो सहो न जाए। काट कूट खाद खूद धरती खमे, हिंदी का दोहा खुद ही नाखो, खाद खूद धरती सहे अने काट कूट वन राय, कठिन सह सबद साधु सहे दूसरे से सहयो न जाए। इसका मानो भाषांतर हमारी संतवाणी में आयु, कूची मारा
जी मारा गुरु जी निहार, एवा कोई गुरु जी मरे ताड़ा मारा ए जी खां खुंदी रे खमे माता प्रूत निजोईलो वाड़ी रे खमे ये वनरा ए वकाठीन शब्द मारा संत सहे आने धरना समे नहीं था देवी कुजी रे खाद घूद धरती सहे काट कूट वनराय कटु वचन एक साधु सहे सबसे सहयो न जाए। कोई गुरु मिल जाए साहेब तो कटायला ताला तोड़ी नाखे साहेब। अकाल कीर्ति कहतो तो क्या हक्का ने कोई पण तमे पर सापो गुरु नाम गुरु है ए कीर्ति कहता था कोई भी पर्स में जैसे कोई लॉक होता है उसको पता लगे कि इसमें केला है कि कैरी है कि सफरजन पोता ने वास आ जाए गम्मे तो उतालू हो तो आखुल ना के पर त्या सुधी ज रह जाए फल मले त्या सुधी रहू मैं तो विनोद कर रहा हूँ लेकिन गुरु के पास सभी चाबी होती है। चौदश चितड़ू कयू करे नहीं जरा हम पूनम आवरी ने त्यारे चित तूटी जाए साहेब। पतंजलि समाधि ना समाधि के प्रकारों में कहता है कि आज भी बस बस ये पहुंचना नहीं थे क्या थी जाए नीचे धड़ा चित्त वृत्ति का निरोध अखंड हो गया हो योगस चित्त वृत्ति निरोध। पूनमाम आवी आवी किरणों निकलवानी तैयारी अने चौदशे चितड़ू कहू करे नहीं मारू पण ए गुरु ए बाप तारे भरोसे अहीं सुधी चढ़ियो छू हवे लजिया रखियो અને ત્યાં તો સદગુરુએ ચૌદશે ચિતડું કહ્યું મારું કહ્યું કરે નહી ઓચિંતાનું થઈ ગયું અજવાળું સદગુરુએ તોડ્યું વજરનું તાળું કારણ चौदशे चितड़ू कहूं करे तो थई गयू अजवाळू मारा सदगुरुए तोड़ू
बजरनु पाड़ हे गगन अविनाशी पद मां ए सदा मालो गगन गद रम मालो गगन गद मन मन मिला जा रे फूल गर स्वामी सब चरणों मां शीश कोई गुरु जी मळे तो ताळा मारा उघड़े कूची मारा गुरु जी ने हाथ रहस्योद्घाटन जिसको कहते खुल जाए। लेकिन मैं उसी बात को आपके लिए चल रहा था कि आसुरी तत्व क्षण भंगुर होते हुए कभी कभी सफल हो जाते हैं, उसको उसका सफल सुफल नहीं मिलता कालांतर में। साधु अवज्ञा के कारण हम पर विपत्ति आई, ऐसा दोष किसी साधु के नाम न लग जाए, ईश्वर फल भी देर से देता है। मोटू तराजू लेट बैठो, आने का ही नहीं फड़े फेर पड़े साधु ने, खोटो दोष लागशे। कई लोग कहते कि बार बार नहीं पूछे कि ये क्या संसार है कि ऐसे लोग मौज कर रहे हैं और ऐसे लोग दुखी दुखी। अरे धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, ये निर्णय बहुत कठिन। मैं तो आपसे कहूं बाप कि आपके साथ होकर आपसे कहूं कि कभी कभी पुकार कोई करता है और प्राप्ति पुकार करने वाले के संग चलता है उसको हो जाती, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत जी की गजग्राह की कथा ले लो। सूरदास ने अपने पदों में ढाला गजेंद्र मोक्ष को, चीख रहा था, यहां तक पानी में डूब गया गज, ग्राह ने मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया और जैसे हाथी बाहर निकलने की कोशिश और ग्राह उसको भीतर भी, यहां तक नाक कान डूबने लागे। और जो चीख रहा है हाथी, पुकार रहा है, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद आ, अने आयो
द्वारिका में शबद करो शोरे भयो पुकार रहा है गज हाथी गजेंद्र कि अभी चलेगा सुदर्शन चक्र, लेकिन चक्र छूटा नीर पीवन हेतु गयो सिंधु कहे किनारे सीधु पानी मांगू चक्र जाए उबलने लगा पानी हाड़ 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 और जिस गज ग्राह ने मगर ने हाथी का पैर पकड़ा था उसके ऊपर टूटा आया और ग्राह मगर की मुक्ति हुई। भगवान द्वारिकाधीश के सामने चतुर्भुज रूप में मगर उखड़ा हो गया सारूप्य शंख चक्र गदा पद्म के सामने दूसरा शंख चक्र गदा पद्म। हाथी ने पुतानी सूंड पछाड़ी के कहां का न्याय है पुकार मैं रहा कि मुझे बचाओ और बचाओ मुक्ति की और बात इस पीड़ा से बचाओ और आपने उसको ये कौन है दूसरा कृष्ण ये शंख चक्र गदा पद्म वाला है कौन कौन है ये कि जिसने तेरा पग पकड़ा था वो मगर है ये साधु का पग पग चीख है साधु पामी जाए पग पकड़ने वाला चीख गजेंद्र करे बोले कैसे बोले तेरा पैर पकड़ा था उसने और मेरे वैष्णव का मेरे भक्त का मेरे साधु का चरण पकड़ ले उसकी मुक्ति पहली होनी चाहिए इसलिए भरोसा करें हम चिखता है हमारे लिए गुरु मफत में मुक्ति मिले से अपने साहेब मफत में पंजरी जन्माष्टमी ने वेचाई ने मुक्ति साधु आपी दे शरणागति का प्रश्न है क्षणों की गणनी में आसुरी तत्व बलवान होता है लाठी वीणा को तोड़ देती है लेकिन लाठी से वीणा का सुर नहीं निकल सकता वो वाद्य नहीं बन सकती वो पीड़न और ताड़न का ही साधन रह सकता था उसमें एनो तार नो लागे ये बार। रामसागर मेलवो पड़े लाठी ने कोई दी मेलवी पड़े के पहला सुर है मेलवो के बीजा सुर है
એને કોઈ સુરત ન હોય ને. દુશાસન ને પગલે કદમ ઉઠાય. ખબરદાર દુશાસન. ઇતને મેં તો મેં કહા આસુરી વૃત્તિ પ્રબળ હોતી હૈ. ખીચી દ્રૌપદી કો અપની સાડી સે અપનો અપની મર્યાદા દ્રુપદ મર્યાદા દ્રુપદ મર્યાદા જિસ અગ્નિ કી કુક સે જન્મી થી યજ્ઞ સૈની ઈસ અગ્નિ જ્વાલા કી મર્યાદા રાખતી હુઈ સાડી કો અપને 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 બચાતી હુઈ ખીચી જા રહી. આપણી ભાષામાં કહું તો આમ ઢસડાય છે પાછળ. સભા મેં કુરુ સભા મેં પેશ કી કંપારી કાયરતા કી ભી હોતી હૈ, કંપારી ક્રોધ કી ભી હોતી હૈ, ઓર કંપારી કરુણા કી ભી હોતી હૈ. કાંપ રહી હૈ સભા મેં. ઉસ કાલ કે સભી બડે બડે મહાનુભાવ બેઠે થે. ન્યાય કરો, મેં કોઈ ચીજ વસ્તુ હું જો પહેલે ખુદ કો હાર ચુકે હૈ, વો હારે હુએ મુજે કૈસે બાજી મેં લગા સકતે હૈ. જુગટુ તો મનમાં રમાતું હોય છે. નીતિનભાઈ દ્રોણ કૃપ અશ્વત્થામા પાંડુ લોક તો સિર લટકાયે બેઠે હૈ. ધૃતરાષ્ટ્ર દેખ નહીં પા રહા હૈ. દ્રૌપદી બોલી હૈ, બહુ અદભુત બોલી કે હે પરમાત્મા, ભવિષ્ય મેં નારી કો ઇતના રૂપ મત દેના. પુકાર તો દેખો સાહેબ, નારી કી નાભી નાદ દેખો. હે ઈશ્વર, હે વિધાતા, હે કરતા, હે સર્જક, નારી કો ઇતના મત રૂપ દેના, ઓર દેના હી હૈ તો પુરુષ કી આંખ મેં ઇતના કામ મત દેના. પુરુષ કી આંખ મેં ઇતની કામુકતા ઓર વિકાર મત દેના. પાંચાલી રે હાય રે હાય પુકારત, હાય રે કોઈ સહાય કરે કફરી વખતે, મમ કારણ ધારણ અને દૂધ દુઃખ દધિ નિર્વારણ. નિવારણ તું કફરી વેળાએ હે, દુઃખના દરિયામાંથી તારવા વાળા હે કૃષ્ણ. કફરી વખતે મમ તારણ ધારણ દુઃખ દધિ નિર્વારણ તું. પાંચાલી રે હાય પુકારત, હાય રે કોઈ સહાય કરે મને, હાય રે કોઈ પણ ચારે બાજુ જૈસે દેખતે. નાભી સે ભી દાઢી નીચે આ ચુકી થી ભીષ્મ કી. ગંગા પુત્ર ભીષ્મ દાદા મુખ લટકાએ આંખે બંધ કર, જૈસે સૂર્યાસ્ત નહીં હો સકતા. દીકરી છું દીકરી, પૃથ્વી કે પાંચ ભૂત મેં એક મહત્વ કે ભૂત અગ્નિ કી કુક સે નિકલી હું, કુંડ સે નિકલી હું. ઓર ઉસ વખત ભીષ્મ કહેતે હૈ, ધર્મ કું ધર્મ કા તત્વ બડા ગુહ્ય હૈ, પુરુષ અર્થ કા ગુલામ હૈ, ધર્મ કા નિર્ણય મુજસે નહીં હો પા રહા હૈ કે ક્યા ન્યાય ક્યા નહીં. બોલે ભગત બાપુ તો કહે છે, મૂછાળી જાણે માવડી, મૂછું વાળી મા બેઠી હોય ભીષ્મ દાદો, એસા લગા. વહા એ વાત સંબંધ
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया। क्योंकि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभन्ना नैको मुनिर्यस्य मतः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया। तो विश्वन लघु के सब धर्म अपनी अपनी बात, सब अपने अपने धर्म ग्रंथ अपना अपना सिद्धांत पेश कर रहे हैं, कोई मुनियों का मत एक नहीं है, तो निर्णय कैसे करना, इसमें मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। लेकिन मैं विश्व दादा को पूछूं, दादा तेरे बेटे हैं, हमने बहुत कम लोगों को दादा कहा है। एक ध्यान स्वामी बापा ने दादा की दाज, एक त्रिभुवन दादा ने, हम विनोद में भाव में कह दे ठीक है दादा, आज तने दादो को उसको। राणा प्रताप कहता था ना कि सूरज ने हमें बाप की दोज, यानी एक मारो बाप है चेतक, आज वो तने बाप कहू छू। दादा देखो ये महापुरुषों तो विभूतियां है, इनके लिए हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अपना भाव तो पेश कर सकते हैं अपनी जिम्मेवारी। विश्व दादा ये निर्णय करवो जोईतो तो कि महाजनो ये इन गता सकते, और उस समय का महाजन केवल कृष्ण था, केवल योगेश्वर था, सर्वकालिक है कृष्ण, द्वारिकाधीश। कम से कम उसको तो मानसिक रूप में पूछ लेते कि मुझे अब क्या करना है। धर्म धर्म ग्रंथ मुनि आचार्यों के मत जब हमें डावाडोल कर दे, तब बताया गया महाजनो ये नगतः सपन्था, अपने बुद्ध पुरुष के कृष्णम वंदे जगत गुरु। कहां से कहां निकल गया यार, ये सिद्ध हो जाता है कि कथा मुरारी बापू नहीं चलाता, मुरारी बापू को कथा चलाती है। छोकरा तो साइकिल में जा रहे, पहली सीटे ही नौती आगल डांडी ऊपर छोकरा ने बेसाड़ता, अपने बापो कई गली में लई जावी साइकिल नक्की करतो, ओलू छोकरू तो बिचारू हमने बैठू है एम एम, अमे तो व्यासपीठ नी वेली ऊपर हम डांडी ऊपर बैठा छे, चलाता तो वो ही है, कभी उस गली कभी उस गली कभी उस गली। तो बापू आप दुनिया में घूमे हैं रामायण लेकर, तो आपको मंदिरों में निर्णय देना है तो कौन सा मंदिर आपको, मैंने देखो भाई सब मंदिर अपनी अपनी निष्ठा क्या, मारू तलगा जड़ा नु मंदिर तो मैंने मारू तलगा जड़ा राम जी मंदिर केम भाई, एक मंदिर तो अभी होने वाला है जो अयोध्या में, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, हा? दिव्य मंदिर ठाकुर जी का होने जा रहा। मैं आपकी राय लू, मूल टॉपिक पर आ जाऊं प्रश्न पर, कि आप मुझे बताना, आप मुझे कहे कि हाँ है तो मैं सत्य जहां से भी मिलता है ले लेता हूं, मेरी तांबड़ी में चपटी चपटी लोट भेगो करेल हो जाए। पर तांबड़ी में लाखो पछी लो, मारो अनुभव सिद्धता ही पछी लो, नहीं रोट लोट पेड़ो मारो गुरु रोटलो घड़ी ना आपे पछी खाऊं। तो सभी मंदिरों की महिमा है, अपने अपने धर्म के देवस्थान की सबको निष्ठा होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी मंदिर का नाम आपने सुना है जगत मंदिर, हो कहीं नाम, केवल नाम मात्र भी हो तो मुझे बताना प्लीज, अभी कोई नकल करे तो बात और है,
जगत मंदिर नाम किसी को मिला हो तो द्वारकाधीश के मंदिर को नाम मिला। ये भगवान कृष्ण राजाधिराजाय प्रसख्य साहिने नमो वयम वैष्णवाय कुरु है यज्ञ यज्ञमय जंत देवास्तानी धर्माणि प्रथमानि पुरुषोत्तम। जो परमात्मा का विग्रह का वर्णन कर रहा है। कभी किसी ने पूछा था, जवाब सैंजल में दे रहा हूं, सब अपने अपने मंदिर की, अपने तलगाड़ा में मंदिर थे, अपने तो दादा नु मंदिर, बट जगत मंदिर। हम सोमनाथ का मंदिर देखो, अंबाजी मानो माँ का मंदिर देखो, राजस्थान सौराष्ट्र गुजरात नी बॉर्डर शामलाजी बैठो, डाकोर वालों सब सब मंदिर में किनकी कितनी कितनी गिनती करूं यार, दुनिया भर के विश्वनाथ केदारनाथ दुनिया भर में मंदिर है। लेकिन मैंने अभी तक जगत मंदिर नाम सुना नहीं है। यहां जितने बैठे इनमें से किसी ने सुना है कोई जगत मंदिर नाम हो तो मुझे बता देना। नीलेश थे हामिले बेटा, नहीं चौकस बिल्कुल पाको एम मैंने बहु गमे द्वारकाधीश ना मंदिर ने अपने जगत मंदिर कही। आह मोटू भराई जाए बाप, सर्वलोक महेश्वर कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो बाप समाधि की व्याख्या इतनी क्लिष्ट कठिन जटिल है। पतंजलि के सूत्रों को समझाना कठिन, कहना कठिन, साधन कठिन, उपाय कठिन, अंततो गत्वा एक समाधि सिद्ध करने के लिए पतंजलि भगवान भी कहते हैं शरणागति। प्रपन्नता प्रपन्नता प्रपन्नता, अपनी दोट कितनी यार, कितनी दोट। अपने तो कथा समाधि बाटे कही, कथा की समाधि क्या है, उसके बारे में हम कुछ मिलकर के संवाद कर सकते। बाकी इन विभूतियों ने जो दर्शन करा अद्भुत, मैं तो धन्य हो जाता हूं कि क्या इन लोगों ने चिंतन किया है। महात्मा ली नहीं, एक ग्रंथों वाँचिए ना तो वाँचता वाँचता ग्रंथ नु वजन वधवा मांडे। इतना कठिन क्लिष्ट सूत्र, क्या चिंतन, क्या गहराई से इन लोगों ने व्याख्याएं प्रस्तुत, अनुभव प्रस्तुत किए। इसमें ईश्वर के प्रमाण बताए हैं। ईश्वर किसको कहे, भगवान के प्रमाण तो हम कई बार बोल गए कि छह प्रकार का भग हो वो भगवान, धन हो धनवान, बल हो बनवान, ज्ञान हो ज्ञानवान, प्रज्ञा हो प्रज्ञावान। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था बाप कि युगों की गणना में कई ईश्वर हमारी नजरों के सामने आकर चले गए, हम पहचान नहीं कर पाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं पा लिया नहीं पहचान लिया है। सारिपुत्र तुम्हारे पास भी वही तत्व है लेकिन अभी पाया नहीं पहचाना नहीं तुमने। भगवान कृष्ण के वचन के ऊपर तो कोई वचन नहीं हो सकता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये शिरचुन तिष्ठति। इसलिए मैं कल आपको कहने लगा था कि ईश्वर के लिए जो लक्षण लागू मानस में शंकर भगवान कथित है वो सब समाधि को लागू होते हैं।
अब आओ। छोड़ दे बिनु पद, अपने वहां से रुक गए थे एक लक्षण पे कल। बिनु पद चल सुनाई ईश्वर बिना पैर दौड़ता है, शंख चक्र गदा पद्म दौड़ता है। साहब मेरी और आपकी निष्ठा हो अपनी अपनी, जहां श्रद्धा हो वहां, तो समाधि भी बिनु पद दौड़ती है। ये जड़ समाधि नहीं है, चेतन समाधि। क्यारे क्यारे वास्तने गंध था, धूप निकले शू से समाधि तुम्हारा घर में आवी, तुम्हारा कान में आवी, तुम्हारा नाक में आवी। प्रश्न है तर्क मुक्त निष्ठा का, दवा डोल मिट जाए और एक निष्ठा बन जाए। और समाधि को कोई प्रतिष्ठिता नहीं चाहिए कि तुम धूप करो न करो, धूप थी हमें भरेला जी। तू दीप जलाए न जलाए तेरे लिए है, मेरे लिए मारे तो कायम उजवाड़ू। मारा गुरु जी आयो मारे कायम नु उजवाड़ू। तू स्तुति करे न करे, तू पद दे प्रतिष्ठा करे न करे, क्योंकि ईश्वर बिना पैर चला लेता है, बिना पद प्रतिष्ठा अपने जीवन को निछावर करता है। तो समाधियों के बारे में भी यदि हमारी निष्ठा हो तो मानस समाधि अंतर्गत यही कहा जाता है। तो बिनु पद सुनई अब मूर्ति में तो कान नाक आंखें सब अपने जैसा विग्रह बना लेते हैं, ठीक है। समाधि न कान होए, अभी तक मैंने कोई समाधि नहीं देखी कि जिसमें समाधि का एक विग्रह बनाया गया। समाधि एक ओटो हो, पहले तो ऐसे जैसे दो चार पत्थर रख करके कर देते थे। यार श्रद्धा हो तो आज तक भी लोग ऐसा मानते हैं। अब प्रमाण में हम न जाए लेकिन अपनी अपनी निष्ठा, आज भी नहीं कहते कच्छ के लोग कि अंजार में जैसल तोरल की समाधि दर वर्षे एक एक चावल जितनी खसे जाए। बिनु पद लोगों कहे थे, कई लोग बुजुर्ग लोग 100-100 साल वाले हम के ऐसा कहते कि हमारे सांभरण में हमारे उसी में ये इतना दूरी थी जैसल की ओर, और ये रो दर ऐसा कहते कि एक चावल के दाने की तरह। ऐसे ऐसे लोगों की निष्ठा का सवाल, किसी की निष्ठा का हम आलोचना क्यों करें। दांडी याद आवे, दांडी की कथा, मानस महात्मा पार्ट टू, पार्ट टू। गांधी बाबू जो दरिया के किनारे दांडी सत्याग्रह किया गांधी जी ने, तो मेरा मनोरथ था कि एक तो वहाँ आश्रम में किया अहमदाबाद में, फिर एक राजघाट। गुरु बता संकल्प पूरा करे, संकल्प विकल्प रहित हो, जेना हाथ में ना मंजूर करवानी सत्ता है नहीं, मंजूरी ना कागल पर सही करना है, कौन करावी जाए छे आ सही खबर पड़ती ना। राजघाट में तो ऐसा ही हुआ ना, राम कृपा करी चितवा जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में राम नाम लेवू अने अनुकूल प्रतीक परिस्थिति में उसके रूप का ध्यान करना। रामायण ने दो ही बात बताई, जप ही सदा रघुनायक नामा। शंकर की प्रतिकूल परिस्थिति आई, सती यज्ञ में जल गई, घर संसार टूट्यो, सती जल गई। क्या करते थे प्रतिकूल परिस्थिति में? जप ही सदा रघुनायक नाम, राम 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 मेरा महादेव करता। और जब अनुकूल स्थिति आई
तो पार्वती की प्रेम परीक्षा हो गई और सप्तऋषियों ने शंकर भगवान को कहा कि आपके प्रेम में वो सफल है, शरणागति गजब की है और ये सती की शरणागति का सर्टिफिकेट सप्तऋषियों ने महादेव को दिया, तो शंकर भगवान को तुरंत ध्यान लग गया। अनुकूल स्थिति में ध्यान, प्रतिकूल स्थिति में राम नाम। हम पांथिया पांथिये तेल राम कथा मुखिया से सप्तऋषियों ने शंकर भगवान को पूछा कि महाराज भगवान ने आपको कह दिया कि पार्वती का स्वीकार कर लो, फिर भी आपने पार्वती की परीक्षा क्यों ली? आपके इष्टदेव राम ने आपको कह दिया वो दोहा मानस का पढ़ो, अब विनती मम सुनो शिवा जो मोह अति सने जाय विवाह सैल जही यह मोहि मां। तीन वस्तु आई सब लो दादा दादा तलगा जड़ा खूणो, तीन वस्तु आई है। शंकर का राम के साथ तीन प्रकार का संबंध है, एक सेवक शिव और राम का संबंध एक दूसरे के सेवक है, एक दूसरे के स्वामी है, एक दूसरे के मित्र है। सेवक स्वामी सखा सीय पी के राम जी कहते हैं मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे सेवक हो। राम जी कहते हैं मैं आपका स्वामी हूं, रामेश्वर आप मुझे कहते हैं और आप मेरे स्वामी, आप मुझे स्वामी मानते और हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, हरिहर एक स्वरूप। तो बोले इसलिए तीन वस्तु आपके सामने रखी। शिव जी ने कहा क्या? अब बिनती मम सुनह शिव, मेरी बिनती सुनिए। राम कहते हैं इस सेवक पना है, सेवक बिनती ही कर सकता है, आदेश नहीं कर सकता, ये मेरा सेवक पना है, मैं तेरा दास सेवक हूं। राम कहते हैं महादेव सेवक छो सेवक। फिर मित्र जो मुझ पर जो मोह पर निजने जो मेरे पर प्रेम है, प्रेम और प्रीति परस्पर मित्रों में होती है, ये मैत्री है तमें और हम, और मुझे मालिक मानते हो तो जाओ जाओ लगन कर लियो, उपड़ो वागा पेरो हुकम। यह मोहि मांगे देव, सेवक के रूप में बिनती सुनो, मित्र के रूप में मुझे नेह कर रहे हो और स्वामी के रूप में मैं आपको आज्ञा करता हूं, जाओ गिरिराज के घर और शादी करो शैल पुत्र के, बस यही मैं मांगता हूं। भगवान शंकर ने कहा भगवान आप राम जी आप मांगना कब से सीख गए? आप तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, कितना प्यारा भजन है। राम एक देवता अपुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता है निको मेरो देवता। आप तो दाता है मेरे से मांगते हो क्यों? बोले जो किसी को कथा सुनाए ना उसको यजमान से मांगने का अधिकार होता है। हाँ कथा आप करवाओ और आपके मैं मांगू नहीं लू नहीं बात और है, लेकिन यदि मैं चाहूं तो आपसे मांग सकता हूं कि भाई तुमने कथा करवाई है लाओ लाओ दक्षिणा, पहला कवर मुको पछी आरती उतारो। पूर्णावती ने आरती हमारे ये भी एक अदा है साहब, इसमें क्या छिपाना, इसमें कौन सी बात, दंभ नहीं, ये जो है स्वभाव के अनुकूल कह देते थे। 11,000 रुपया नक्की करे हो पूर्णावती पछी पोथी उपड़वानी हो तो यजमान को बोले कि पेलो 11,000 नो कवर पहला मुको पछी आरती थाली ले
નહીં તો હું હજી બીજું અઠવાડિયું ખેંચી નાખીશ. કથા નંબર 847 ને બદલે 48 કરી નાખીશ પાછો, એટલે કવર મુખ અધિકાર. શિવજીને કહા આપ માંગના કબ સીખ ગયે, એ તો પ્રસ્તુતિ મેં કર રહા હું, સૂત્ર તો કોને કહા હૈ, કબ સે સીખ લે. બોલો મેરા અધિકાર હૈ માંગને કા, મતલબ મેને આપકો કથા સુનાઈ હૈ, હે? અતિ પુનીત ગિરિજા કે કરણી અબિસ્તર સહિત કૃપા નિધિ. દેવી ભાગવત સંભળાવ્યું, ભગવાન રામે શિવજી કો દેવી ભાગવત કી કથા સુનાઈ, પાર્વતી કે ચરિત્ર કી કથા સુનાઈ, ઓર વિસ્તાર સે. અતિ પુનીત કથા તો જો પુનીત હો, અતિ પુનીત હો ઉસી કી ગાઈ જાય ના, અતિ પુનીત ગિરિજા કે કરણી અભિસ્તર સહિત કૃપાનિધિ વરણી. દેવી ભાગવત પૂરું સુના દિયા, બોલો તો મેને આપકો કથા સુનાઈ, દક્ષિણા દો. તો મહાદેવ ને કહા ઠાકોરજી આપ કથાકાર કબ સે બન ગયા? અરે જન્મ સે કથાકાર હૈ, બને નહીં બના કર ભેજે હૈ, મતલબ જન્મતે હી કથા કરને કી હમારી આદત હૈ. સુર રાખ બેટા, હું મારું કામ કરું તું તારું કામ કર. માતા સૌમતી ડોલી તજ હું તાત કહી કથા સુનાઈ મા તુજાઈ જેહી પ્રકાર સુત જન્મ લિયા કૌશલ્યા દશરથ કે પ્રસાદ મેં માં કૌશલ્યા કે અંક મેં વિશ્વરૂપ પરમાત્મા બાલક રૂપ મેં આ ગયે ઓર જો જો કરના હૈ સબ સુના દિયા ઓર માતા કો જબ વો હુએ તો ભગવાન ને માં કી ગોદ મેં કથા કહેના શરૂ કર દિયા જન્મજાત કથાકાર હું રામજી ને કહા હા મેરી પહેલી વ્યાસપીઠ મેરી માં કી ગોદ થી મેને દેવી કી કથા સુનાઈ દક્ષિણા દો યહ મોહી માંગે દેવ દે દો મુજે સેવક કે રૂપ મેં બિનતી મિત્ર કે રૂપ મેં નેહ ઓર સ્વામી કે રૂપ મેં હુકમ જાઓ જાઓ વિવાહ શૈલ જઈ શૈલ જાકે સાથ બ્યાહ કરો હુકમ છૂટા તીનોં સંબંધ વહાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ મેં નામ કા આશ્રય લેના જપ અહીં સદા રઘુનાયક ના કહી રામ કથા હો તો સુનને બેઠ જાય ઓર નિરંતર શિવ ઘૂમતે રહે જબ તે સતી જાય તનુ ત્યાગા તબ તે શિવ મન ભયો બિરાગા સપ્ત ઋષિઓને પૂછા મહારાજ કી ભગવાન ને આપકો કહે દિયા પૂરી દેવી ભાગવત સુના દી વિસ્તાર સે ભગવતી કા ચરિત્ર સુનાયા ઓર પ્રસિદ્ધ હો ગયા કે મેં કહેતા હું પાર્વતી કા સ્વીકાર કરો તો ફિર ભગવાન ને કહા ફિર આપને પ્રેમ પરીક્ષા લેવ આપને હવે પરીક્ષા લેને કો ક્યું ભેજા સપ્તર્ષિ જાતે જાતે પ્રશ્ન પૂછ લેતે શિવજી ને કહા મુજે લોક કરુણા અવતાર કહેતે લેકિન ભાઈ મેં ભી જરા મન મેં તો હોતા હૈ ક્યા કે યે પાર્વતી ને મેરે ઠાકુર કી પરીક્ષા લી થી રામ કી પરીક્ષા કી બ્રહ્મ હૈ કે કોણ તો જિસને મેરે ઈશ્વર કી પરીક્ષા લી ઉસકી થોડી પરીક્ષા તો મેં ભી કરુંગા ભલે રામ ને કહે દિયા હો ફિર ભી જાઓ પરીક્ષા કરને ગયા ક્યોંકિ ઉસને મેરે પ્રભુ કી કરી ઓર ઉદારતા તો રામ કી દેખ બેટા
कि वही पार्वती सती के रूप में पार्वती ने राम कथा नहीं सुनी थी, वही राम ने उसी देवी की कथा शुरू कर दी थी। यह है परमात्मा की कृपा। कुंभज ऋषि के आश्रम में सती ने नहीं सुना, राम कथा नहीं सुना, और वही राम ने आज अति पुनीत गिरिजा कहे राम कथा अगाध है। भव से पार होना है तो भाव से कथा गाओ, बस भव और भाव का अंतर है। भव सागर कहू पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा, नव का है। गुरुमुखी शास्त्र की महिमा गजब है। ग्रंथालय में बहुत ग्रंथ होते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ ग्रंथालय नहीं बन सकता। गुरु ग्रंथ तो अमृतसर में जो स्थापित है, गुरुद्वारा में जो स्थापित है, गुरुमुख। ज्ञानेश्वर या तो ज्ञानेश्वर भगवान ही कहते महाराष्ट्र में कि वेद तो बहुत सी बात करते हैं, लेकिन गुरुमुख से जो आए महिमा उसकी। वेद तो मराठी में उसका एक बहु बोली रहा, बहु बोली रहा। हाँ ऐसा कुछ है। हाँ बहुत अच्छा। तो कथा की समाधि की प्रक्रिया क्या है? अपने पास तो कोई और उपाय नहीं, काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है कि इन सूत्रों के स्टेप को चढ़े, लेकिन राम कथा हमें क्या बताती है समाधि के बारे में? राम कथा के द्वारा प्राप्त होती समाधि का पहला सोपान है कथा श्रवण। भगवत कथा के गायक को, भगवत कथा के श्रोता को यदि समाधि तक पहुंचना है तो पहला सोपान है भगवत चरित्र का गायन श्रवण। मैं कल भी बोल गया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहीं तज ध्यान। ध्यान तक पहुंच गए थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और ये की स्टेप बाकी समाधि का, लेकिन भगवान की कथा सुनने को मिले, ज्ञान मान सब छोड़ो और कथा श्रवण के लिए आए। सुखदेव जी कथा गाने वाले हैं गंगा के तट पर शुक्र ताल में, तो हंस परमहंस 88,000 वर्षों की साधना हिमालय की कंदराओं से निकल के शुक्र ताल की यात्रा करने लगे कि एक परीक्षित धन्य है जो एक एक, एक अवधूत के मुख से हमें कथा सुनाने वाला। कथा श्रवण की बहुत महिमा है। दुनिया कुछ कहे कि आपने इतना सुना कुछ किया, जवाब मत देना, सुनते रहना। एक युवक ने प्रश्न पूछा है, एक मिनट, बापू मैं आपका 27 वर्ष का युवान फ्लावर हूं, मानस मृत्यु 2011 जो सिडनी में हुई थी कथा, आपकी कथा से जुड़ा हूं, तब से लेकर अभी तक सभी कथा सुनी है टीवी के माध्यम से या फिर पंडाल में आकर, बहुत आनंद लूट रहा हूं, लेकिन बापू हृदय की एक पीड़ा है, एक वेदना है कि मैं कब तलगा जरड़ा आऊंगा। बेटा बाप के पास नहीं आ सकता, जब मैं अपनी आंखों से न देखूं तब आपकी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूं। आके एक बार तो कह दो कि आ जाना बेटा, कोरोना के नियम जब पूरे हो जाए तब आ जाना, अभी तो चित्रकूट तलगा जड़ आने की कोई बात करता पूछता है तो मैं मना कर देता हूं कि भाई नहीं भाई, मैं मिल पाऊं ना मिल पाऊं, सबके स्वास्थ्य का मतलब है वो। लेकिन सुनता है 2011 से, समाधि का पहला स्टेप है मानस की समाधि जो है, ये मानस समाधि जो है, अपना लेवल इतना है इसलिए वहां से शुरू करें।
આપણું બીજું ગજું નથી યાર. સંપ્રજ્ઞાત અપ્રજ્ઞાત સબીજ નિર્બીજ નિર્વિચાર સવિચાર ઓહો સતર્ક નિસ્તર્ક ગજબ કર દિયા હૈ સાધુ સાધુ સાધુ. મેં અકેલા સુનું યા તો મુજે ગજબ લગતા ક્યા ક્યા લોગો હદ કર ગજબ ક્યા આપની ઔકાત નહીં. और उसमें क्या आखिरी जन्म जब होता है तब इस सोपान पर साधक चला जाता है. उसका आखिरी समय ये स्थिति जब आए उसका तो हमें तो चाहिए ही नहीं, हमें तो दूसरा जन्म चाहिए. हम तो इस मार्ग में कैसे जाएंगे, हमें तो बार बार जन्म लेना है. आपड़े त्या पहुँच जाए पीछे अँ आवा बंद थे सैंधड़ आवा तो आप एवं कोटनो धंधो करव नहीं. आप तो हरिना जन तो मुक्ति न मांगे માંગે જન્મ જન્મ અવતાર નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન ઉત્સવ. કારણ કે અમારે નિરખવો નંદકુમાર પ્રભુ નંદકુમારો મેં સ્વામીની વૃષભાનુજા કૃતાર્થો હમ કૃતાર્થો હમ કૃતાર્થો હમ. ન સમજાયા किशोरी चरणन की राजपाल स्वामी मेरे चरणन की हे राधे जो लाडीली रजसी शिव सनकादिक चाहत. जो रज को सनकादिक चाहे शिव चाहे. सो रजसी शिव चढ़ान किशोरी दिन बीच में संदर्भ आया नहीं कि कृष्ण गोचरण के लिए जाते थे तो गोप बालक तो जाते थे लेकिन गोपांगनाओं का क्या होता था. ओहो यथा व्रज गोपिका नाम आचार्य गण कहते हैं कि जिस रास्ते से कृष्ण गोचरण के लिए जाते वहां जाकर गोपांगनाएं उस चरण की मिट्टी लेकर दिन भर अपने सिर पर रखते थे जब तक सायंकाल को फिर से कृष्ण का दर्शन न. जिस कदम की शाखा पर झूले हो कृष्ण वहीं से खुई खुई फूल पत्ता नीचे गिरा हो उसको ब्रजांगनाएं लेकर अपने हृदय से स्थापित कर देते. श्याम Thank you.
दास किशोर के चरणन पर अन बिमला बिमल जस गाऊं तेरा बिमल बिमल जस गाऊं किशोरी चरण की करीना जन तो मुक्ति न मांगे जन्म जन्म अवतार। तो एक समाधि तो वहां पहुंचा देती है जो आखिरी जन्म हो जिसकी यात्रा का। फिर पतंजलि भगवान के सूत्रों पर जो भाष्य आए ये तो हमको अनुकूल पड़ा, ऐसा नहीं है व्यक्तिगत रूप में हमको तो नरसिंह मेहता ने अनुकूल नहीं पड़ा, मेरे भरत को अनुकूल नहीं पड़ा। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आम। लोगो मुक्ति बहु मांगा जहां जाए मोक्ष कर दियो ने वाल, पर तू घरना नो पहला मोक्ष करने खिजावानु बंद कर दे, कुटुंब ने त्रास आपवानु बंद कर दे। मोक्ष एक ही उपाय है, महाजन हो ये इनका संबंधा आपड़ो मन भावे मार्ग न गोतवो, बधे पकड़वानी कोशिश करवी, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न। पण जारे हळ न हुजे त्यारे महा मारो गुरु लई जाए त्या पछी ई मारी गाय ने हूँ एनु वाछरडू बस ऐसा। तो कथा जगत की समाधि, मानस की समाधि जो हमारे लेवल की बात है, लेवल मींस कोई हमारा लेवल ऐसा हम, लेकिन हम और आप कम से कम थोड़ा समझ पाते हैं इसको, थोड़ा समझ सकेंगे इसलिए। बाकी वो उसमें तो विवेकानंद जी ने भी कितना वर्णन किया राजयोग की बात करके। तो इन महापुरुषों ने कृपा कर दी, बाकी हवे तो आपने आपड़े आपड़े आ व्याख्या करवाने मुकी दी है ने एमाथी मुक्ति मिली जाए ने तो तोय बहु सारू। आटली व्याख्याओ आवी छे, हवे एमा वळी पछी एक नवी व्याख्याओ क्या आपड़े ना केना करता, आपड़े आपड़ा मार्गे चालू अने हळ न खुजे तो गुरु नो मार्ग ई मारो मार्ग। महाजनो ये नगत शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। जगतगुरु आदि शंकराचार्य विवेक चुडामणि शब्द जालम महारण्यम, शब्द की और तर्क की माला, तर्क की जाल तो ये महान जंगल में भुलावे में डाल देती है और चित्त को भ्रमित करने का प्रधान कारण है, इसलिए इसमें से निकल जाओ कहते हैं। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, ये चित्त का भ्रमण करने वाला कोई कारण है तो शब्द जाल। दिवंगत नगीन बाबा कहते थे ना कि शब्द है ना ये अपने को छिपाने का एक बहुत बड़ा कपड़ा है, डावाडोल कर दो तुम, अपने को छिपाने का बहुत सुंदर कपड़ा है, बहुत सुंदर, इसमें आदि अपनी असलियत को छिपा देता। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा, मैं सुबह देख रहा था विनय पत्रिका तो उसमें उसमें समाधि शब्द आया तो मैं रुक गया, तो फिर मैंने ले लिया। राम के नाम जपे जाय की जी जरनी, राम नाम जपने से ही जीवन की बढ़तरा जीवन की जरनी जाएगी, कोई उपाय हमारे जैसे के लिए नहीं है। तुलसी कहते राम नाम के जपे जाय जी की जरनी, कली काल अपर उपाय ते अपाय भय, कलयुग में और उपाय व्यर्थ, अपाय मीन्स व्यर्थ,
सफल नहीं। कोई योग करे तो परम वंदनीय लोग है, कराए वो भी परम वंदनीय है। लेकिन हमारे जैसों के लिए ये यज्ञ याग ये सब साधन है ना, वो अब व्यर्थ, हमारे जैसे के लिए व्यर्थ हो चुके हैं। कली काल अपर उपाय, दूसरे उपाय अपाय भय व्यर्थ हो गए। जैसे क्या दृष्टांत देते तुलसी, जैसे तम नासिबे को चित्र की तरणी, जैसे अंधेरा मिटाने के लिए चित्र नो सूरज कोई काम न करे। अंधेरा आ गया रात तो भाई चिंता मत करो, अपना घर में दीवार ऊपर चित्र दौरेलू है ना सूरज नो, इस सूरज कलयुग में और उपाय व्यर्थ हो गए। जैसे अंधेरे को मिटाने में चित्र की तरणी, तरणी मानी सूरज। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, हम और आप जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म कलाप परिताप से और पाप से सने हुए जीव है हम सब। जो सुफुल फूले तरु फोकट फरनी, इतना व्यर्थ परिश्रम करते हैं कि कोई फल नहीं है। फल फरनी फरोसो, इसी भाव को दंभ लोभ लालच उपासना बिना सी निके। दंभ लोभ आदि लालच इसने तो सब खत्म कर दिया हमारे लिए। सुगति साधन भई उदर भरने, सुगति किससे मिलती, सुगति का साधन क्या, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। सुगति मानी मुक्ति और उसका साधन ज्ञान है, तो ज्ञान भी पेट भरने का काम बन गया है। तुलसी कहते हैं सुगति साधन भई उदर भरने, जोगन समाधि निरुपाधीन विराग ज्ञान। कल भी हम कहते थे ना, जप तप तीर्थ जोग समाधि, कष्ट बिना कुछ नहीं हो रहा, सब निरुपाधि कुछ नहीं है। बचन विशेष बेश कहू न करनी, लोगों ने अच्छा अच्छा वेश बना लिया, विशेष वेश, और वचन विशेष वचन की मारी, शब्द जाल महारण्यम चीत भ्रमण कारणम। वचन विशेष वेश कहूं, ऐसे ऐसे वचन दे हमें शब्द जाल, कहूं खाली कहूं न करनी, करना नहीं कुछ है, पोथी नारिंगना। कहूं न करनी, हम एक्सरे ले रहे तुलसी हमारा है? कपट कुफत कोटी, कपट खराब मारक कोटि कोटि कपट हम में भरे हैं, और कहनी रहनी खोटी, कहना रहना रहन सहन सब झूठा। सकल सराहे निज निज आचरणी, सब अपने अपने आचरण अपना वर्तन अपनी महिमा का ही गान कर रहे, सब अपने स्वयं को मंडित करने की स्पर्धा में। लेकिन मर्त महेश उपदेश है, कहा करत सुर सरी तीर काशी धर्म धरनी, धर्म क्षेत्र काशी गंगा के तट पर महादेव बैठा बैठा जो मरता है उसको कहता है, क्या करता है, खाली राम नाम बोल तेरा काम हो जाएगा, ये सब व्यर्थ उपाय है तू छोड़। मरत महेश उपदेश है, कहा करत सुर सरी तीर काशी धर्म धरनी, राम नाम को प्रताप हर कहे जपे आप जुग जुग जाने जग, वेद हूं बरनी मति राम नाम ही सो, हृति राम नाम ही सो, गति राम नाम ही की विपति हरनी, राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कबहु, तुलसी डरेंगे राम आपने डरने। विनय का पद है, पद 184 बराबर, पचू जैन मुखी देशा, इतना बड़ा लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, फाड़ लेता हूँ फिर पर नंबर हो एट वो ना आए थोड़ो वाँचव पड़े पी उठी।
मुक्ति मोक्ष गजब है यार। मोक्षस्याकांक्षा न च विभवांछा पिचरे नविज्ञानापेक्षा सति सुखेच्छापि न पुनः अतस्तां संयाच जननि जननं यातु मम वै मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानि। पाती का ना होए होए नहीं संत ना ढगला, रमेश पारेख कहता है। पाती का ना होए ढगला, साधनो ढगलो ना होए एम रमेश पारेख। पाती का ना होए होए नहीं संत ना ढगला, संत तो मुक्ति वेचे नहीं वाघा नहीं ढगला। ये मुक्ति ना होए ने बात करी से खरे कर आ मुक्ति मुक्ति खबर नहीं, अभाव नहीं लेकिन जामतू नहीं मुक्ति साथ, जितने जितना भक्ति के साथ जमता है। तो मानस समाधि कैसे प्राप्त कराए, उसकी कुछ प्रक्रिया। इसमें पहला कदम है श्रवण। युवान ने लिखा हमें मानस मृत्यु से निरंतर कथा सुन रहा। सुनो मैं तो कहता हूं दूसरी प्रक्रिया में न जवाए जिंदगी भर तो कोई चिंता नहीं। सुनो गोपी का बोली है अव कथा अमृतम तत्त जीवन चरित्र कथन करे ऐसे कथा के गायकों को बड़ा महादानी कहा दिया भूरीदा। और वो हमारे जैसों के लिए शायद गौरव तो ले सकते हैं लेकिन ये गोपिकाओं के लिए स्वयं का नाम नहीं लेती। लेकिन गाया किसने, गोपिकाओं ने जो कृष्ण को गाया वंदे नंद ब्रज श्री पादरेण साम हरि कथो, जिसके मुख से हरि कथा निकलती है पुनाति भू। एक गोपिका के मुख से गायन निकले कृष्ण के बारे में त्रिभुवन पवित्र हो जाए पुनाति भुवनत्रयम्। ये स्वयं भूरीदा जना है लेकिन जो भूरीदा जना होता है वही भूरीदा जना हो की कीमत कर सकता है। इसलिए सभी व्यासों का को कह दिया भूरीदा जना, संकीर्ण भूरीदा जना की व्याख्या अनुभव नहीं कर सकता। देखो समुद्र है ना, समुद्र का समुद्र जन समुद्र कयो कान काम नहीं कर लो सागर जो है इसके पास बहुत है लेकिन भूरीदा जना नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं यार। इतनी नदियां उसमें जाती है तो सबको ले लेता है, देता किसी को नहीं।
ये तो सूरज की प्रचंड किरण शोषण करके ले जाती है, बादल बनते हैं, भाप बनती है, बादल बनते हैं, फिर वर्षा देती है। बाकी सागर स्वयं ये इतने रत्न भरे हैं, संग्रह किए बैठा है, लेकिन गुरु कृपा का सागर होता है वो ऐसा संग्रह नहीं करता है। तो गुरु से जो खजाना मिला ही लुटा देता है, संकीर्ण नहीं होता। गुरु विवेक सागर जाना, तो स्वामी जी के गुरु विवेक कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसलिए सागर की कभी तृषा शांत नहीं हुई सागर ने, क्योंकि खुद का पानी खा रहा है, उसको तृषा बहुत लगती है लेकिन पिए क्या, खुद पे पास जो है अब रत्नों इतने पड़े तो रत्नों से कहीं प्यास थोड़ी भी जाए, भूख रोटी से जाए, प्यास पानी से जाए, और खुद का पानी खा रहा। इसलिए एक सागर ने आवाज दी कि मुझको पानी पिला दीजिए। मुझको पानी पिला दीजिए, एक सागर, सागर तो सातूर है क्योंकि संग्रह करके बैठा, और जो संग्रह करके बैठता है उसको अभी और मिले और मिले और मिले, भूरी दाजना नहीं बनता, वो खुद तृष्णा में डूबा रहता है, तृषा तूर रहता है, और दूसरे की प्यास भी नहीं बुझा सकता। इसलिए गोपिका स्वयं भूरी दाजना है, इसलिए जो कथा को गायन करता है उसको भूरी दाजना का सर्टिफिकेट दे दिए। सागर नहीं कर पाता, खुद बेचारा प्यास है, बहुत तरस लगे बेचारा, मानस आम थी आम था, रेगिस्तान के आदमी आम थी आम था, आ सागर जी आम थी आम थे अगर न भरती वोट ये बेचारो तरस होती हो। अने जेटला सागर पास जाए से नहीं पानी वो चूहा पे हाडका ना किन भी आवे, अस्थि देकर निकल जाते, अस्थि विसर्जन करो ये सागर में करो तो सभी नदियों में हो गया है? मेरे भाई बहन, ये तो एक समुद्र की वो एक दृष्टांत लेकर के हम समझने की कोशिश करें। निरंतर तृषातुर, एक उकड़ाट है सागर के दिल में, एक अजंबो, बस ऐसे 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 भूरिदा जना। हम हरि कथोत गीतम पुनाति, क्या गोपियों ने गाया होगा साहब कि एक पद का एक टुकड़ा गाए तो त्रिभुवन पवित्र हो जाए। आहा, क्या कृष्ण चरित्र का गायन गोपी जन ने, इसलिए एक दो मिनट के लिए जोई गोपी जन वल्लभ जमुना खाने त्या बोलते दो मिनट के लिए हरि नाम। जय गोपी जन वल्लभ, जय कुंज विहार, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय कुंज विहार, जय गोपी जन राधा माधव,
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन कुंज मानस के आधार पर हम समाधि का दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुदत्त दृष्टि से और उसके मुताबिक मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा
आपको स्वीकार कर लेना, ऐसा दावा तो मैं कभी दबाव नहीं करता, ये आपकी मौज। लेकिन पूरी प्रक्रिया मानस अंकित है समाधि तक पहुंचने, इसमें पहला कदम है कथा श्रवण। आज तो ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, कल ज्यादा ले लिया था, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बच्चों शिव चरित्र में दिखाई है, तब जाके लागी समाधि अखंड। ऐसे अखंड समाधि तक नहीं पहुंचा। महादेव ने हम जीवों को सावधान करने के लिए पूरी प्रक्रिया, बाकी शिव तो क्या कहूं। मेरे गोस्वामी जी भी विनय पत्रिका में एक पद में फरमाते हैं, शब्द मुझे याद नहीं, लेकिन बोले मैं सोता हूं तो ये मेरी समाधि है, मैं जागता हूं तो राम नाम जपने लगता हूं, मेरा दिन रात दोनों ठीक चलाता है। जैसे जगत गुरु शंकर कहते निद्रा समाधि स्थिति, शिव मानस पूजा निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदक्षिण। पूरी भगवान महादेव ने, त्रिभुवन गुरु शिव ने ये पूरी प्रक्रिया अखंड समाधि की ओर लिए जाने पहला माड़ कर। अब याज्ञवल्क बोले एक बार त्रेता जुग माही अनसंभू गए कुंभर ऋषि संग सती कथा मुनि बरज बखानी सुनी महे परम सुख ए सुनी महे। ये प्रारंभ शंकर सहज स्वरूप संभारा क्या तो लागी समाधि अखंड बच्चों ये कोई नई व्याख्या नहीं है, ये व्याख्या नहीं है, गुरु नु भाखेलू एनु बैठू एनु बैठू। मानस समाधि की यात्रा राम कथा श्रवण से हुई है। महादेव कहते हैं मेरे सामने देखो मैं समाधि तक कैसे पहुंचा, पहले श्रवण करो, श्रवण करो जिन के श्रवण असमुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह। और मैं बार बार कहूं कि श्रवण करने के बाद और स्टेप में कल लूंगा सब, पूरी प्रक्रिया तलगा जड़ा न खूणा आती से थी दूजनो खूणो। वर्षो वीत्या पण हजी एने लूणो लाग्यो नहीं, एवो दूजनो खूणो। पूरी प्रक्रिया महादेव ने दी है, एक एक बिंदु उठाएंगे हम संवाद के रूप में। लेकिन श्रवण पहले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिधेय।
खाली श्रवण पर्याप्त। गुरु नानक देव तो कहते सुनी गए दुख पाप का ना, तुम खाली सुनो तुम्हारे दुख और पाप निकल जाएंगे इतने समय के, खाली सुनो। जो लोग कहते सुन सुन करके क्या कर, अरे सुनने से ही सब हुआ। कई लोग कहते नाम में क्या रखा, विदेशी विद्वान ने कहा नाम में क्या रखा, अरे हमारे लिए तो नाम में ही सब कुछ रखा है, उनके नाम ने सब कुछ दिया। ये लीला तो नाटक है परमात्मा की, इसमें क्या, हमारे लिए लीला ही सब कुछ है। धाम में क्या लगा, हमारे लिए सब सैंजड़ धाम सब कुछ है। सोचो सुनो, याद रहे न याद रहे, हाँ बिल्कुल एटलू आप आचिमन भाई ने तुम पूछो आज ની કથા માં શું આવી હતી, 12 દિન પૂછો સીતારામ, એ કે હું સાંભળું ત્યાં સુધી લો મોજ કરી લો, બાકી મારે કાંઈ યાદ શું સૂત્ર આવ્યું ને શું, તો આપણે કાંઈ એ સારી વસ્તુ। ઇસકા મતલબ યે નહીં કે ભૂલ જાય, લેકિન સહજ સ્થિતિ જો હા વો ઠીક હૈ, અકાનું એવું છે। આની સાથે વિનોદ કર્યા કરું યાર, બહુ આનંદ કર્યો નહીં છોકરાઓ, રમતા રમતા 75 કાઢતા ગયા, પણ અમે સીમામાં નહીં રમ્યા, ગગન ગઢમાં રમ્યા, ગેડી તળે અદભુત કૃપાની કોઈ સીમા નહીં, इससे ज्यादा कृपा कोई हो ही नहीं सकती, और यदि कहीं है तो हम पचा नहीं पाएंगे, हमारे लिए भरपूर भरपूर। जो बन माय भामन कहे राधा कान ने, वैशाख मासे अंब खोलो अने कंथ लावे कैरियो, नर घोड़े नारी निचोवे न सुगंधी बनावे पूरियो। बहु दीदू दादा, बहु दीदू ते दादा, हे दादा ત્રણ વાના મુજને મળ્યા ને હૈયું મસ્તક અને હાથ। ઉમાશંકર બાપા જોશી કહેતે મને ત્રણ વસ્તુ, ત્રણ વાના મને મળ્યા, હૈયું મસ્તક અને હાથ, બહુ દીધી દીધું મારા બાપ, શબ્દ ભૂલાય છે, હવે ચોથું નથી માંગતો, ચોથું જોતું જ નથી। તુને ક્યાં શ્રવણ, શ્રવણ મિલે ઇસે બડા દુનિયા મેં ક્યાં હૈ। મંગલ કરને કે લીએ શ્રવણ જીતના સફળ હોતા હૈ, અદભુત ये चीज जब पेट भरने का साधन बन जाती है तब कुछ हाथ में नहीं आता, श्रम रहता है गाने का बजाने का सब का। बाकी जब ये कृपा का वरसाद हो रहा है, ये जब जब हमारे पर बस, तब तो इससे ज्यादा कृतकृत्यता क्या। कथा में क्या होता है, दर्शन भी होता है और श्रवण भी होता है, कथा का फायदा ही है। ठाकुर जी का दर्शन भी होता है और श्रवण होता है। शंकर भगवान के सामने, फिर एक बार मैं कहूँ, बीच में आ गया स्मृति में, कि राम जी जो प्रकट थे अति पुनीत गिर जाके वर्णी जो भगवान, तो उसमें दोनों हुए ना, राम का दर्शन भी हुआ और उनके मुख से पार्वती की कथा सुनने को भी मिल गई। दर्शन और श्रवण एक साथ, कथा कथा है साहब। हाँ ये हम गाते हैं सुनते हैं हम लोग, इसीलिए उसकी महिमा नहीं करते। शुक ने गाया फिर कौन गा सकता है, शुक ने गाया बेटा, गावत संत और गरि अरुघट सम मुनि व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभूषण अष्टतस चहो शास्त्र सब ग्रंथ
मुनि जन धन संतन को कोई बच्चों नहीं गाया अगर दावत ब्रह्मादिक तात मात सब विधि तुलसी के तो श्रवण मानस समाधि का प्रथम पड़ाव है। सुख वहीं से शुरू हो जाता है, फिर सुख में वृद्धि समाधि के सुख। सुनी महेश परम सुख एक एक कुंभज का एक एक शब्द का पान करता है मेरा महादेव। तलगा जड़ा को मानस समाधि के कुछ इस सोपान गुरु कृपा से प्राप्त होते हैं। इसमें मैं कल आगे बढ़ूंगा पूरा, कल हो सकेगा तो राम जन्म तक भी हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें पूरा राम शिव चरित्र इस श्रवण से लेकर स्मरण तक आखिरी सोपान समाधि, उसके बाद स्मरण ही बचता है और वो समाधि में सब कुछ छूट जाता है। यहाँ स्मरण राम राम शिव सुमिरन लाग आने जाने वो सती जगत प्रारंभ श्रवण दिला और समापन स्मरण, ये है मानस समाधि की यात्रा। समाधि के बाद राम नाम लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन राम नाम शिव मिठास मिली होगी ना राम नाम। समाधि देख ली अखंड पार, फिर भी 87,000 में छोड़ी दी थी बजे। नहीं 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 नहीं, सुख तो मिला उत्तरोत्तर, लेकिन जो राम राम का जो सुख ही था इसलिए स्मरण आ गया। राम राम शिव अनजाने वो सती जगत पति। और मैंने शायद पहले दिन शंकर को कथा गानी भी थी इसलिए उसने समाधि छोड़ दी। गाने का भी एक परम सुख है, आम नम समाधि में बैसी रहे तो पीछे कथा कहवानू नहीं बने। शिव चरित्र हो जाए, शादी हो जाए, ये सब हो जाए, फिर मैं वडला के नीचे बैठ जाऊं और भवानी जिज्ञासा करे, मैं फिर धन्य धन्य गिरिराज कुमारी कहकर कथा का आरंभ करूं। तो समाधि को एक और रख दी, तजी समाधि संभु अविनाशी। ये मानस समाधि का तात्विक सात्विक संवाद। तो सुनी महेश परम सुखमान, स्वयं महादेव तो ब्रह्म है परमात्मा, श्रावण महीना हो तो छिल्लो सोमवार से आखिर काले तो अनुष्ठान वाला पूजा ने हंकेल वाना है। ओहो काले पूरु थाय ने बधु परम दिवस जब जारे थतुं हतुं, आपणे तो कायम राखवानुं छे ने आपणे क्यां हंकेलवानुं। हूँ रोज बिलीपत्र चढ़ाऊ बेटा त्रिभुवन डेली, हाँ श्रावण ज नहीं मेरा जो त्रिभुवनेश्वर शिवजी है डेली शिव बिल्वपत्र। कई कथा में होते अगल बगल बिल्वपत्र न मिले तो भी संतराम खोज लेता है, एक दिन शायद चला जाए तो मंत्र बोलकर त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम क्षत्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वपत्र शिवार। એને બીજું જોઈ બે પાંદડા તુલસી બિલીના અને એક જળનો લોટો, પૂરું ના કરે પૂજા વાળા નહીં। હમ સીમા મેં હૈ તો સીધી બાત હૈ, હમ લોગ હૈ, લેકિન એક મહિના તક શિવ પૂજા કરને વાલે લોગ ધન્ય હૈ, ધન્ય। માનસ પૂજા ગજબ હૈ,
મહાદેવ. આખો મહિનો શંકરને નામે લ્યો. પુરુષોત્તમને નામે એક મહિનો આવશે, પણ ત્રણ વર્ષે આવે. આ તો દર વર્ષે ખોડાણો હોય. કેવું સરસ ને, ગામડે ગામડે મહાદેવ. અમારો આ ભરત છે ને, એની આની આરતી હું આ ત્રણ દિવસથી જોઉં છું. દરેક આરતીમાં એનું મને કંઈક ને કંઈક નવું જોઈએ. બે દિવસ પહેલા દિવસ મેં જોયું, શંકરની આરતી ઓછી ઉતારે, પોઠિયાની બહુ ઉતારે. મારી તલગાજડી આંખે મેં માર્ક કહી. એટલે ગઈકાલે હું જોવામાં તત્પર હતો કે મારે ગણવા છે આટા, કે મહાદેવ ધ્યાનેશ્વરની કેટલા રાઉન્ડ લીધા અને પોઠિયાની તો ખબર નહીં. એને ટેલિપથી થઈ ગઈ કે શું થયું, તો મહાદેવની જ ઉતારે કર્યું કાલે. બહુ મહાદેવનું બહુ લાંબુ કર્યું, પોઠિયામાં તમામ કર્યું. ભાઈ કાલે હું એમાં ચડ્યો હતો કે ક્યારે ધ્યાનેશ્વર મહાદેવ પાસે હાર્યા હતા. બંધ જ ન થાય. નહીતર બે ત્રણ આટા લેતો હતો મહાદેવને અને પોઠ્યો. એટલે પણ મેં કીધું આનંદે સબ કુછ. તો શ્રવણ સે યાત્રા કા પ્રારંભ હૈ. સમાધિ કી અખંડ અપાર ઉપલબ્ધિ કે બાદ ભી ફિર શેષ શિવને જગત કો બતાયા કે રામ નામ શેષ હૈ. તો શ્રવણ સે વાયા પાંચ પડાવ. શ્રવણ સે લેકર વાયા પાંચ પડાવ. આખિર મેં સમાધિ ઓર અંત મેં સુમિરન. યે શિવ ચરિત્ર હૈ. ઇસ દૃષ્ટિ સે કલ હમ શિવ ચરિત્ર કા ગાયન કરેંગે, સંવાદ કરેંગે, સાથ સાથ માનસ સમાધિ કી સાત્વિક ચર્ચા કરેંગે. આજ કી કથા કો ઘડિયાળ અહીં છે. આજ કી કથા કો યહાં વિશ્રામ દેતે હૈ. વૈસે તો એક બજે તક હૈ, લેકિન આજ ખબર નહીં, મુજે લગતા હૈ કે બસ આજ બચશે. છોકરો બરાબર છે ને, હવે બસ કરો. હા અચ્છા, શું નથી સમજ્યું? છગન બાપુ પૂરું કરી દઉં ને હવે. બુઢા પૂરું કરી દઉં ને હવે. આ બુઢો મારો નાથ જાણે હું સમજ્યું છું. સેવા અચ્છી કરતા મારે તલગા જડા કા કવિરાજ હૈ. જીસકે પિતાજી નારૂ કાકા, મારે એની સાથેને બહુ બેઠક. તારા બાપા સાથે હો છોકરા નારૂ કાકા બહુ સારા કવિ હતા. છગન બાપુ તો મારાથી મોટા છે, મારા પૂજ્ય છે, પણ એ તો મારા કરતાં એ વધારે જાણે. તલગાડાની ગળીઓમાં અમે આટા માર્યા છે સાહેબ. હા, બારોટોની ચા પીધી છે નારૂ કાકાની, બાલુ કાકાની, મોહન કાકા, મોહન કાકા હતા એ. હા, અને ચોથા બચુ કાકા. તો બધું મને યાદ છે છોકરા. બચુ કાકાને સભાખરા બહુ યાદ હતા. બહુ સાહિત્ય બહુ હતા. ઉસકે પાસે હોમગાર્ડ્સમાં મળેલી બંદૂક રાખતા હતા કવિરાજ. તારા કાકા મારો નાથ. તો રજને પૂરું કરી દો ને બેટા. હા, મારે તો મોજ જ છે યાર. બીજું આપણે કાંઈ છે, બીજું કાંઈ છે જ નહીં. પણ આમ ખાવા પીવાનો એ સમય આપવો પડે ને આપણે. આ સોમવારના એકટાણા હોય ગણાને, પછી રાતે જમાય નહીં ત્યારે જેટલું વહેલું ફૂલ ડીશ લઈ લેવાય. ભાઈ મેં શામ કો જબ મિલતા હું તબ હમ તો સબકે લીએ. મુજે ભી ઈચ્છા હોતી હૈ કે મેં ચા પીઉં. ચા તો સ્વાભાવિક હૈ, લેકિન કલ મેને જયેશ કો લિખ દિયા કે કુછ ભજિયા ભજિયા બનાઓ, બારિશ કી ઋતુ હૈ તો ઉસને ભજિયા બનાઈ. લેકિન જબ આપકો યે દિયા જાય તો કિસી કો શ્રાવણ કા વ્રત હો તો બાપુને કહા તો તોડના મત, અપને અપના વ્રત નિભાના. વો તો એસા એમ કે બાપુને કહા કે પ્રસાદ તો નહીં નહીં, વ્રત બહુ કરવું નહીં, કોઈનું બહુ તોડવું નહીં. આપણાથી થાય એટલું કરીએ જે કરીએ. લેકિન મેં એસે કહેતો, કારણ કે ઘણા ભાઈ બહેનોની શ્રદ્ધા હોય સાહેબ, એકટાણા કરતા હોય ઘણા કરતા.
એ તો હવે અમારા કાયમ એકટાણા જ છે ને, એક જ ટાઈમની કથા, નહીં તો બે બે ટાણા ખાતા હતા અમે, સવારે 9 થી 12:30 અને સાંજે 3:30 થી 7 કે છે, બે ટાણા ખાવાનું. એ તો હવે એ એક ટાણા શરૂ થઈ ગયા. કુછ પ્રશ્ન ભી થે રહે ગયા. એક તો તુષારભાઈ કી કવિતા હૈ, મેં કલ લુંગા ઉસકો, અપને પાસ રખ લીધો. હા, એ કિસીને પૂછા કે કથા કે પ્રવાહ મેં પરમાત્મા કે જો લક્ષણ વો સમાધિ કે હો રહી, આજ ભી રહે ગયા ના, બિનુ પદ ચલે હી સુને બિનુ કાના તક તક, આજ ભી રહે ગયા, કલ ઉસકો આગે બઢાયેંગે. તો એ ખતમ, એ વિનય પત્રિકા વાલા ये युवान का पत्र. एक दो पंक्ति मेरे पास आई, बेवजह मेरी आंख में आंसू नहीं आते, बेवजह, बिना कारण, बिना हेतु, बेवजह मेरी आंख में आंसू नहीं आते. कभी कहता है बेवजह मेरी आंख में आंसू नहीं आते, नजरों को धो रहा हूं तेरे दीदार के लिए. मैं पहले मेरे नज़र को धोता हूँ क्योंकि अब तेरे दर्शन कर लूँ, क्योंकि गंदी निगाह से तुझे कैसे देखूँ. इसलिए बेवजह मेरी आँख में आंसू नहीं आते, नज़रों को धो रहा हूँ तेरे दीदार के लिए. इसी भी एक बात थी आखिर में आज भाव से. हरे राम 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 सीता राम, हे हरे राम 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 सीता राम, हरे राम राम. कल मुझे स्मरण दिलाया गया था कि बाबू कल की कथा में आप गुजराती बहुत बोल गए. कल मैं गुजराती ज़्यादा बोला था. हाँ, तो फिर हमारा रह जाता है कि हिंदी में, क्योंकि मेरी गुजराती सब समझ लेते हैं. मैं आपको पूछूं अनुबाबू, ધ્યાનસંગ બાપા જેટલા અહીં રહ્યા છે ગુજરાતી નહીં શીખી ગયા હોય? હા, શીખી જ ગયા છે. એ તો આ ટીલા ઉપર સ્વાભાવિક ગુજરાતી વધારે આવી જાય તો હું શું કરું યાર, મારે ક્યાં ગુજરાતી. એ જો મહાભારત કી સિરિયલ મેં કૃષ્ણ કોણ બને થે, નીતિશ ભરદ્વાજજી ને, એ અપને મદનભાઈ કા કાર્યક્રમ મેં આયા થા બનારસ. હા, તો ગુજરાતી મેં બોલને લગા, ये महाभारत सीरियल का कृष्ण मेरे साथ गुजराती में बात करने. तो मैंने कहा आप गुजराती में बोले, द्वारका आना था तो गुजराती तो सीखनी पड़े ना. मैंने कहा वाह साधु, क्या बात. हाँ, मैं तो द्वारकाधीश बनकर द्वारका में रहना है, आखिर में तो गुजराती तो बोलनी पड़ेगी ना. तो दादा भाग्यवान लोगों के साथ बातें करते होंगे उस समय, तो गुजराती में ही बोलते होंगे, या तो सुनने वालों को हिंदी सिखा दी होगी. साधु तो कुछ भी कर सकता है, गुजराती थोड़ा आ जाता है, लाता नहीं आ जाता है. ये लग जाती है समाधि, लगा ही नहीं. फिर मुझे भान आता है तो तजी समाधि कर देता हूँ कि भाई हिंदी में आ जाओ, हिंदी में आ जाओ. कल मुझे फिर एहसास हुआ कि ज्यादा गुजराती बोल रहा था, और गुजराती भी फिर ठेठ की बोलू, बिल्कुल देहाती गुजराती बोलो तो फिर स्वाभाविक है समझ ना करते. लेकिन ये तो सबको याद है ना, ये तो सबको आता है गुजराती हिंदी सबको, इसमें तो एक ही लिपि एक ही बोली रहती है, वो है हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरि बोल. Ram 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 Sita Ram Ram.
हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे पवन तनय संकट हर तीसरे दिन की कथा मानस समाधि इसको आज विराम दिया जा रहा है। कल फिर आगे बढ़ेंगे भगवत संवाद के लिए। तब तक आपसे विदा लें। सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम। कल 9:30 बजे फिर भगवत कथा। भाव से बोलिए राम। भगवान प्रिय बाल कृष्ण भगवान प्रिय सद्गुरु भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर महादेव तब
सब जाए जय पार्वती अवध पुरा भरत रहन सुन परिहृत कर प्रभु अरवती ने कहि विराज वर दे जय हत जी सब वरनी सुति चलती कई दंडक बन पावन ताई विध मैत्री पुन ते गाय मुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा सीता कर धरना सीता खोट सकल दिशा प्रवेश सब जहर बुराई रही रही की कुशल सुना सेन समेत यथार कुबीरा उतरे जाए पार में लाल भीषण दे मिल आए सागर सेन उतरे सागर पार गयो बसी थी वीर पर प्रेमी वाले निश्चर की सनरा करनी से विविध प्रकार भुकरण घन सुंद राम कथा सकल रघुपति राम पुराण अश्र छो सात्र सब
क्रतवोयन्तु विश्वतो लब्धासो अपरीतास उद्विद देवानो यत सदमिद बुधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते रुजूयतां देवानां रातिरविनो निवर्तताम् देवानां सत्यमुपसेदि मा वयम् देवान् आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहे वयम् अगम् मित्रमदितिम् दक्षमश्रितम् अर्यमणम् वरुणम् सोममश्विना सरस्वतीन सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ तद्ग्रावाण सोमसुतो मयो भुवस्तदस्विना शृणुतम् निष्णायुवम् तमीशानम् जगतस्तस्तुषस्पतिम् धियम् जिन्वमवसे भूमहे वयम् उषानो यथा वेदसाम सद्हृदे रक्षिता पायुरदद्ध स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु वृषदस्वा मरुत वृष्णीमातर शुभम् यावानो विदते सुजग्मय अग्निजिह्वा मनवसूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्य भद्रम् कर्णे विश्रूयाम देवा भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवांसस्तनूनि यशेम देवहितं यदायु शतमिन्नु शरदो मन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र वितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिविशान्ति प्रापश्शान्ति दोषदयशान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति।